नमस्कार मित्रों, के नए वीडियो में फिर से स्वागत करता है आपका AMT यूट्यूबर। आज मैं आपको काशी विश्वनाथ काइडो की वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा। इसमें आपको दिखा रहा हूँ मंदिर के अंदर का, दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते होंगे जितना काम हो रहा है, देख रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा, देख सकते होंगे, जो कि 2021 अगस्त तक ख़त्म करना काशी विश्वनाथ काइडोर का प्रोजेक्ट है, जो है PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ काइडोर, जो कि अगस्त में ख़त्म होना है। क्योंकि देख सकते हैं अंदर से मैं दिखा रहा हूँ जो काम चल रहा है, देख सकते होंगे आप, बड़े बड़े मशीनों द्वारा काम हो रहा है यहाँ पे। अब मैं एक विंध्याचल कॉरिडोर की वीडियो भी अपलोड किया हूँ, उसको भी देखिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे भी काम चल रहा है मकान तोड़ने का। देखिए मैं मंदिर सामने दिख रहा है, देख सकते हैं मंदिर आपको दिखा रहा हूँ सामने, देख सकते काशी विश्वनाथ मंदिर का आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, देख सकते होंगे, देख सकते हैं आगे मैं दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितने सारे वर्कर्स लगे हैं यहाँ पे काम के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, देख सकते हैं। अभी के बाद ट्रक भी आराम से आ जा रही है यहाँ पे, देख सकते हैं कि जो ट्रक आ रही है उसे सामान वगैरह आ रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे छड़ वगैरह से ढलिया काम भी हो रहा है, देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई हैं, देख सकते हैं आप, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। बस वही मैं दिखा रहा हूँ, बस वही टंकी के पास हो रहा है, सिवा जो टंकी है उसके बगल ही में काम चल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ताकि लोग जो बाहर से हैं वीडियो देख सकें। क्योंकि इसको 2021 अगस्त तक काम कंप्लीट करना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। आप देख सकते हैं कितना आगे तक पूरा काम फैला हो गया है। और बता दें कि गंगा जी भी काफ़ी नज़दीक लग रही है देखने में। चलिए आगे वीडियो देखिए पूरा। देखिए इसमें मणका घाट के पास मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे जो काम चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और आगे की जानकारी भी देता हूँ आपको। 55,000 स्क्वायर मीटर में है पूरा कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अगस्त 2021 में पूरा होना है। दिन पर दिन देखिए, इसके बारे में वीडियो बना रहे, काम थोड़ा ही बनाया गया छोटा था, देखिए अब देखिए कितना भय लग रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है इसमें, तो काम काफ़ी तेज गति से हो रहा है यहाँ पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अगस्त 2021 में पूरा होना है, और यह प्रोजेक्ट काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 55,000 स्क्वायर मीटर बन रहे इस कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब दिखने लगा है। देखिए मैं साइड से भी दिखा रहा हूँ आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो काम चल रहा है, देख सकते हैं। देखिए मैं JCB से भी आगे काम चल रहा है, जूम करके दिखाता हूँ वो भी आपको। इसमें देखिए मणका घाट के पास हूँ मैं, मणका घाट के पास जो काम चल रहा है कॉरिडोर का वही दिखा रहा हूँ आपको, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए इसमें मैं आके हूँ मणका घाट के पास, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काम चल रहा है GT का, और CDO का निर्माण कार्य चल रहा है वही आपको दिखा रहा हूँ। गंगा नदी को छूते मणकंका घाट जलासीन घाट और ललिता घाट से लगा कॉरिडोर का मुख्य द्वार होगा, और धीरे धीरे जब आप भीतर की तरफ जाएंगे तो इसकी भव्यता और बढ़ती जाएगी। पूरे रास्ते में पुराने मंदिरों की यह शिकला मिलेगी जो कॉरिडोर बनाते वक्त मंदिर से निकलने थे, कॉरिडोर के भीतर इन्हें सहेज कर रखा गया है। देखिए जो यहाँ पे लोग खड़े हैं, जो यहाँ पे सौदा के लिए आए हैं लोग, देख सकते हैं काफ़ी लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सौदा को होता है कि पानी के अंदर डाला जाता है और उसको फिर निकाला जाता है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, जैसे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं काम चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में अड़चन बन रही मणगंगा घाट पर लगी चिमनिया व जलासीन घाट स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन को भूमिगत किया जाएगा। मौजूदा चिमनियाँ तोड़ी जाएंगी, इसके साथ ही मणगंगा घाट को पक्का भी किया जाएगा। मणकंका घाट को करीब 300 मीटर तक पक्का भी किया जाना है। सौदा के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, यह जमीन की सतह से इस तरह बनेंगे कि इनके ऊपर चिमनी लगाई जा सके, यह भी मुख्य सतह से नीचे ही होगी, इसके चलते गंगा से घाट का प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचा हो जाएगा और घाट पर आने वाले स्टीमर व अन्य जहाज़ों को रुकने में सहूलियत होगी। आप देख सकते हैं मैं दूर से दिखा रहा हूँ कितनी गंगा जी को देखिए पार दिया गया, देख सकते हैं मैं दूर से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए
छड़ों काम चल रहा है सीढ़ियों को बनाने के लिए। यहाँ पे पक्का ढलैया किया जाएगा, देख सकते हैं आप सामने काम हो रहा है। वाराणसी में गंगा की धारा बदली हुई नजर आ रही है। विश्वनाथ कैटू के मलबा मिट्टी से ललिता घाट से मणिकंका घाट के बीच गंगा का प्रवाह बदल गया है। यहाँ से गंगा दूर हो गई है। वहीं दशाश्वमेध और मणिकंका के बीच घाटों का संपर्क टूट गया है। काशी विश्वनाथ धाम की सीढ़ी के लिए तैयार की जा रही करकट की दीवार के चलते ऐसा हुआ है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ जो काम चल रहा है यहाँ पे। इस कारण मणिकंका घाट के महाशमशान पर असर पड़ रहा है। अंतिम संस्कार से पहले शवों का गंगा में यहाँ प्रचालन कराने में समस्या आ रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए गंगा किनारे ललिता घाट से मणिकंका घाट के बीच करीब 50,000 वर्ग मीटर में सीढ़ी बननी है। सीढ़ी बनाने में गंगा किनारे पानी रोका जा रहा है। इसके लिए करीब 800 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई में मिट्टी डाली गई है। इसके बाद गंगा में करीब 5 मीटर गहराई तक आरसीसी दीवार खड़ी की जा रही है। देखिए इस मशीनों द्वारा देखिए काम चल रहा है यहाँ पे, मिट्टी क्लीन किया जा रहा है यहाँ, जिससे सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। जल का प्रवाह पहले ललिता घाट से जलाशय मणिकंका पर होते हुए आगे बढ़ता रहा, अब ललिता घाट से सीधे सिंधिया घाट की तरफ बह रहा है। सौदा के लिए हो रही है परेशानी लोगों को। दशाश में घाट के किनारे सीढ़ियों से लोग मणिकंका घाट पैदल जाया करते थे, लेकिन दीवार ने परेशानी खड़ी कर दी है। लोगों को वहाँ तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और सरदार मणिकंका घाट से दूर हो रहा है। इस कारण सरदार करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने के लिए भी रोक दिया गया है। घाट किनारे डाली गई मिट्टी के ऊपर से पैदल चलने पर पाबंदी लगाई गई है। पूरे इलाके में आसपास बैरिकेडिंग की गई है। इलाके में तनाव सुरक्षा कमी पैदल आने जाने वाले लोगों को रोक देते हैं। इससे पैदल की ही घाटों पर घूमने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को लौटना पड़ रहा है। देखिए इसमें मैं आकर मिट घाट से दिखा रहा हूँ आपको। जो मिट घाट में यहाँ पे देखिए वालों पंपिंग करने के बाद यहाँ मिट्टी ढाला गया है और देखिए यहाँ पे जो पाइप लगाई गई है वो पाइप को समेटा जा रहा है। समेटने के बाद इस जो गाड़ियाँ खड़ी उसमें डाली जा रही है। देखते हैं अब गाड़ी भी पूरा आ गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, क्योंकि बताने चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी भी यहाँ पर आ गई थी। देव दीपावली वाले दिन उनकी भी गाड़ियाँ भी यहीं पे खड़ी हुई थी। देख सकते हैं पूरा जो सामान है उसको रखा जा रहा है। देखिए ललिता घाट से दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ललिता घाट के पास मैं आ गया हूँ। देखिए दो तीन चार गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी छड़ का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग बाहर से देख रहे हैं वीडियो उनको देखने में आसानी पड़ेगी। और देख जो सामने जो टंगिस देख रहे हैं सिवा टंगिस, वो भी आगे चल के अंडरग्राउंड या हटाया जा सकता है। जैसे भी जो भी काम होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि बता दें कि घाटों का काम काफ़ी तेज़ गति से कराया जा रहा है, जो कि कल आदित्यनाथ योगी जी मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश वो भी कल आए थे। काशी इतना कैडो काम 2021 अगस्त तक काम खत्म करना। देखिए मैं चार नंबर गेट दिखा रहा था आपको, और देखिए मैं काशी इतना कैडो को दिखा रहा हूँ ऊपर से, आप देख सकते हैं काशी इतना कैडो काम कितना हुआ है। मैं देखिए चार तो घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर जो